वेट अ मोमेंट, इससे पहले मैं आपको क्या बता रही थी, इस खुला आसमान हंसी वादियाँ से पहले थोड़ा वापस मुड़ा जाए करके हमने थोड़ी गपशप करी और फिर हुआ था रात में कांड। वो कांड क्या था वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बैक टू प्रेजेंट डे, क्या हुआ था आखिर? इट्स अराउंड 5 इन द मॉर्निंग और रात को नींद नहीं आई है, सांस नहीं जा रही थी, अजीब सा घबराहट से हो रही है, आई डोंट नो रीज़न, एसिडिटी है या क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वॉमिट भी करा है तो अभी सोच रही थोड़ा वॉक कर लूँ तो मे बी मैं फील बेटर करूँ। ये हम चितकुल में कैंप में रह रहे हैं, लेट मी शो यू। रात के करीब 4:15 बजे के आसपास ना मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, मुझे लगा मे बी मैं ट्रैवल करके थक गई हूँ और फिर मैंने चिकन भी खा लिया था तो मुझे लगा मे बी इनडाइजेशन है ही, इसलिए मैंने ना डाइजिन की गोली खा ली। बट डाइजिन की गोली खाने के बाद एकदम से वॉमिट हुई, उससे पहले तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, फिर वॉमिट भी हो गई, फिर मैं और घबरा गई क्योंकि हाँ माउंटेन सिकनेस तो बहुत नॉर्मल है क्योंकि मैं हाई एल्टीट्यूड पे थी। बट फिर उसके बाद हमने अपना कैंप चेंज करा एंड थैंक गॉड जो मेरी कैंप मेट थी वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर की थी तो मुझे ऑकवर्ड फील नहीं हुआ। फिर उसके बाद थोड़ी देर हमने बातें करी और बाहर घूमे। ये हम यहाँ कैंप्स में स्टे कर रहे हैं, वो कैंप मेरा था बट अब मैं यहाँ ऊपर आ गई हूँ, सोच रहे थोड़ा वॉक करके अच्छा लगे। व्हेन यू आर सडनली सिक एंड जस्ट ट्राइंग टू गेट सम मोर ब्रेक, सो जस्ट वॉकिंग वाइल टॉकिंग सब सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग, आज हमारा डे 2 है चितकुल में, हमने यहाँ नाइट स्टे करा था कैंप्स में, नाइट स्टे ही है क्योंकि सोई तो मैं हूँ नहीं रात में। कल आई डोंट नो मे बी 2 दिन से हम डायरेक्ट ट्रेवल ही कर रहे हैं बस के अंदर तो शायद मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई और सुबह मैंने वॉमिट करा है और अजीब से ही फील हो रहा है, मीन्स अंदर मुझे सांस नहीं आ रही टेंट के अंदर तो मैं बस बाहर ही घूम रही हूँ। और बाहर बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है देखो तो बाहर मज़ा। आज प्लान था कि रिवर देखने जाना है बट नहीं गई मैं क्योंकि बारिश हो रही है। जस्ट ब्यूटीफुल ऑल अराउंड बट बारिश नहीं होती तो ज़्यादा सुंदर होता, पर क्या करें कुछ नहीं कर सकते, प्रे कर रही हूँ कि बारिश रुक जाए थोड़ा मौसम साफ हो जाए ताकि क्लीन स्काई देखने को मिल पाए, स्टार गेजिंग वरना कहाँ ही हो पाएगी। अब इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट्स सो सूदिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। रोज़ यही मांगता हर चीज़ का सोर्स है भाई, अगर किसी को यहाँ नेचर के बीचों बीच कुछ हल्का हल्का फील करना है तो
इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तू जो मिला जिंदगी मिल गई। This is just what I am feeling here right now, and it is just amazing. Does not matter how ugly I sound, but this is what I feel. And सुबह मेरी तबीयत खराब थी और अभी देखो मजा आ रहा है. चप्पल पहन के कौन वॉक पे निकलता है? मैं निकलती हूँ. उससे मिलना हो ना तो कभी कभी ऐसे अकेले निकल जाना चाहिए, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और अच्छा लगता है. I love walking alone and especially in nature. बारिश हो रही है हल्की हल्की. You can see the water dots. यार ये back नहीं होता वरना ना होगा. Ta-da! I found out this way. Isn't it? It feels good. As a place में कभी walk पे निकला करो अकेले खुद से बातें करते हुए. और यहाँ कुछ भी मिट्टी की खुशबू जैसी चीज़ नहीं है, यहाँ चारकोल की खुशबू है. बट मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है सब कुछ. फिर ये सैर करके गपशप करके वापस मैं आई अपने कैंप में और यहाँ फिर फ्रेश हो करके रेडी हुए क्योंकि हमको यहाँ से निकलना था. और फिर हमने चितकुल को बाय बाय करा और हम आगे बढ़ गए अपने सफ़र को. चितकुल से आगे निकल के बीच में इनटू द वाइल्ड थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी करके फिर हम आगे बढ़े. और आगे जा कर के ना एक एरिया आता है रक्षाम, ये एक छोटा सा मिडो टाइप्स है और यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट कह सकते हो आप. और इतना बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है. एक तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की और वहाँ का व्यू, ओ माय गॉड, मतलब मज़ा ही आ गया मुझे तो. बस मैंने अब तक इतनी सुंदर नदी इतनी सुंदर एरिया में बहते हुए नहीं देखी थी. मेरे लिए तो यही एक बहुत सुकून का पल था. रफ्तार देख रहे हो? गजब. यहाँ मैं अपने पाप तो धो नहीं सकती थी तो अपना मुंह धो के मैंने काम चला लिया. ये लड़की कल बीमार थी और आज इतने मजे आ रहे थे. वाह. यहाँ से फिर हम आगे गए और आगे हम कहाँ पहुँचे और कहाँ जाता है कि ये पानी डायरेक्ट सिंधु के लाल से आता है, इसे गंगा रन कहते हैं. और ये जो मंदिर है ये कहाँ जाता है? ये किन्नर कैलाश के बैक साइड है, बहुत मान्यता है इनकी भी. अनफॉर्चुनेटली मैंने चिकन खाया है तो मैं नहीं जा सकती. बट हर हर महादेव. इसके बाद आगे चल के एक जगह आई थी जहाँ बस में फ्यूल भरवाना था. वहाँ बस में लोग फ्यूल भरवा रहे थे और मैं यहाँ एप्पल की फ़ोटोग्राफी कर रही थी. मीनवाइल मैं वॉशरूम में गई और ये लोग निकल पड़े आगे.
और मैं भागती हुई गई हूँ। फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ, अच्छा नम्रता तो रह गई है। तो उन्होंने अपनी छोटी सी ट्रैवलर रोकी मेरे लिए, वरना मैं आज एप्पल खा रही होती बैठ करके। सतर्क रहें, सावधान रहें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था और शायद आज के दिन का फाइनल स्टॉप था, वो था किन्नौर का सुसाइड पॉइंट। स्पीति में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि यहाँ ना क्राउड बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही कम, और आप फ्रीली घूम सकते हो इधर से उधर। नीट इन्वायरमेंट इतना सुंदर, लोग इतने प्यारे। आत्मा को ना जैसे शांति से मिल गई हो यहाँ करके। वंस इन अ वाइल अपनी ज़िंदगी में सबको कोशिश करनी चाहिए कुछ ऐसी प्लेसेस एक्सप्लोर करें। और इंडिया में ना बहुत औसम प्लेसेस हैं। मुझे तो लगता है मेरी पूरी उम्र बीत जाएगी ये सब एक्सप्लोर करते करते, पर मन नहीं भरेगा फिर भी। तो ऐसे ही घूमते फिरते, हंसते गाते, नज़ारों का आनंद उठाते हुए, एक दूसरे से बातें करते हुए, एक दूसरे को जानते हुए हम आगे पहुंचते जा रहे थे। आज के दिन हमारा फ़िलहाल यहीं ख़त्म हुआ था, और आज का स्टे जो था हमारा वो था कल्पा में। उसके आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, जानने के लिए स्टे ट्यून विद मी नम्रता, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, घूमते रहो।